सही मायनों में प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, गुलामी के अंश से मुक्ति ग्रहण करनी है, मुक्ति पानी है गुलामी की। और उसके कई उदाहरण हैं, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम उसका नाम रखा गया है। वो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठग चोरों की कंपनी भारत को लूटने के लिए आई थी। आजकल देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकवादी संगठन का नाम, हिजबुल इंडिया, मुजाहिदीन इंडिया। तो इसीलिए ये गुलामी के अंश हैं। इन अंशों से जब तक भारत के आने वाली जनरेशन को मुक्ति नहीं मिलेगी तो उसी में घूमते रहेंगे। अभी कुछ और इसी प्रकार के 20-28 पार्टियों के एक ठगों का समूह है, राजनीतिक ठग, जो हर पार्टी के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने भी अपना नाम इंडिया रखने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी फुल फॉर्म अगर पूछेंगे I.N.D.I.A. वो कभी नहीं बताएंगे। कभी आप पूछेंगे वो खुद नहीं बता पाएंगे, लेकिन इंडिया के नाम से इस देश के लोगों को ठगा जाता रहा है। तो ये गुलामी के अंश हैं, इस गुलामी के अंशों से मुक्ति देशवासियों को पानी ही पड़ेगी, जाना पड़ेगा। दोबारा दोहरा रहा हूँ, ईस्ट इंडिया PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकवादियों का संगठन है ना, हिजबुल मुजाहिदीन वो इंडिया के नाम से, ये सब इंडिया के नाम से जो कुकर्म करते रहे हैं। तो उन लोगों ने भी ये पढ़ने की कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, ये दोबारा भ्रष्टाचारियों का समूह। इसलिए भारत हमारा देश है और ये समय है, सही समय है, इसी समय में गुलामी के अंशों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके अलायंस को देख करके इस तरह का परिवर्तन किया जा रही है, और मतलब विरोध अभी से कहा जाए। दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। वो थोड़ा सा और पीछे जाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा है। प्रधानमंत्री 3 वर्ष से कह रहे हैं, गुलाम सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कब लगी है, क्या इनके इंडिया गठबंधन बनने से पहले बनी है, लगी है क्या? प्रधानमंत्री बहुत पहले से कह रहे हैं गुलामी के अंश से मुक्ति प्राप्त करनी है। ये गुलामी का अंश है इंडिया, हम भारत हिंदुस्तान के लोग हैं, तो इसीलिए भारत हमारा है। तो गुलामी के जितने भी अंश से हैं उनसे मुक्ति पा रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए वो कहने के लिए कुछ भी कहे जाएं, उनके कहने से नहीं होता, भारत के 140 करोड़ लोगों के कहने से होगा।